हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति ट्यूब और सक्सेस चैनल पे। आज मैं आपको IBPS RRB क्लर्क जो कि 8 अगस्त को एग्ज़ाम हो चुका है उसका हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे डाटा इंपिटेशन का, ठीक है। कि क्वेश्चन हमारा 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन किस टाइप के आए थे तो वो हम देखेंगे, ठीक है। और अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम में, किस तरीके से हमें सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चन में, ये आपको हम बताते हैं। ये आपको बहुत कम ऐसे कि एग्ज़ाम के मेन अप्रोच ऐसे तो हम कर लेते हैं, ठीक है, बट एग्ज़ाम में उस समय में एक तो प्रेशर होता है, दूसरा आपको एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि वहाँ का इंटरफेस आपको दिखेगा बार बार स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम होते रहता है क्योंकि हाफ हाफ स्क्रीन में आपको इस तरफ आपको क्या रहेगा DI का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बार ग्राफ हो टेबल DI हो जो भी हो हाफ स्क्रीन पे रहता है, ठीक है, फिर इधर तो स्क्रॉल करने में। इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए हम वो देखेंगे कि एग्ज़ाम में हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी मतलब कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्ज़ाम का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ये आप देख रहे हो ये हमारा टेबुलर DI है, ठीक है, जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है 8 अगस्त का। तो 8 अगस्त के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपको टेबुलर DI और बार ग्राफ देखा गया हर शिफ्ट में। तो टेबुलर DI हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना, आपको टेबुलर DI में पीपल दे रखा है A, B and C, ठीक है। उसके बाद आपको मंथ दे रखे है मई जून जुलाई एंड अगस्त के डाटा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर में जो आपको कंडीशन दिया गया है उसको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। तो जो इसका इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले रीड करना है, इंस्ट्रक्शन हम लोग चलिए रीड करते हैं। टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन आइटम रिसीव्ड बाय 3 पीपल इन 4 different months। तो हम पहले ही देखें मई जून जुलाई और अगस्त, 4 month दिया हुआ है, ठीक है। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द दिस क्वेश्चन। तो ये डाटा अब हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आपको ना स्क्रीन पे ये आधे दिखेंगे डाटा, फिर स्क्रॉल करके इधर के डाटा करने पड़ते, तो बार बार ऐसे करने में क्या होता है टाइम जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कॉपी पे खुद से टेबल बना लो, ABC कर लो, ठीक है। टेबल बनाने में टाइम कितना जाएगा, अब नहीं टाइम जाएगा, आपका हाथ की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी करोगे। तो हमारा ये इस क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा और अगस्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लो, टेबल कर लो, सॉरी एक मिनट, इसको हम सबसे पहले लाइन को ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि हमें पता चले अच्छे से, ठीक है। तो ये टेबल हमारा सबसे पहले क्या करना है, हमको टेबल ड्रॉ करना है। तो ये टेबल हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ कर लिए। अब हमको क्या करना है, सारे डाटा इसमें नोट करने हैं। तो सारे डाटा हम लोग लिख लेंगे। देखो बार बार स्क्रॉल करने से अच्छा है कि एक बार टाइम लगेगा, बस एक बार टाइम लगेगा लिखने में, उसके बाद आप यही देख के क्वेश्चन पढ़ोगे, डायरेक्ट यहाँ से करते जाओगे तो कम समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा 68 है, 84 है और 72 है। स्क्रॉल करने में बहुत टाइम जाता है, 64 और 88, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 96 है, 80 है, 118 मतलब 118 है, 119, 75 और 63, ठीक है, डाटा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इन मई एंड जुलाई, मई और जुलाई की बात कर रहा है, ए की मतलब कि 68 और 96 की बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल मतलब टोटल ऐड करना है इसको, तो 9, 6, 15, ठीक है, 150 हो गया, 8, 6, 14 मतलब 164 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय सी इन मई एंड जून टुगेदर, सी की, तो सी ये रहा मई एंड जून की, तो मई 72 और ये रहा हमारा 88 है। तो इसको क्या करना है, इसको भी हमें ऐड करना है। तो 72, 88 तो 8, 7 क्या हो जाएगा, 15, तो और 8, 2, 10 मतलब 160 हमारा यहाँ से आ गया। ये हो गया ए का और ये हो गया सी का, ठीक है। देखो आप ये लिखे हुए हो, आपको दोबारा लिखने की नंबर जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड करके लिख रहे हो, एग्जाम में तो टाइम बचेगा। और स्क्रॉल कर करके बार बार जो देखोगे ना तो आपको लिख लिख के ऐड करना पड़ेगा, ऐसे में क्या होता है टाइम हमारा ज़्यादा जाता है,
क्लियर है। देखो अब इसमें क्या करा, वो इसे कितना अधिक है, तो ये हमारा सी जो है ए से कितना अधिक है, तो फोर, फोर किससे 160, जिससे कंपेयर करना है उसको हमेशा हम क्या करते हैं नीचे डालते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा क्या हो गया 100 आ गया। अब क्या हो गया, 4 चौक 16, 4, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ये देख लो, अब 4 से इसको कर देते कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द ऑल थ्री इन जून एंड टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इन अगस्त। जून का कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, अगस्त का कह रहा है, इसका डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जून का सबसे पहले इस तीनों को ऐड करेंगे, उसके बाद अगस्त में इस तीनों को ऐड कर लेंगे। आपके पास टेबल इस तरीके से लिखा हुआ है, बट एग्जाम में स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम होता है, तो आपको इस तरीके से टेबल कॉपी पे नोट करना है। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके टाइम सेव होंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ऐड करना हम स्टार्ट करते हैं। 100 हो गया, 8 6 14, 140 और 100, ठीक है, 240, 250, और इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि सबको आप ऐड कर लो, क्लियर है। दूसरा तरीका ये भी है कि एवरेज ही निकालना है, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, आप क्या करो, कोई एक नंबर एज्यूम करो और वो नंबर से कंपेयर करते हैं। आपको मैंने हाँ पिछले जितने भी डीआई की क्लास करवाई उसमें हमने एवरेज निकालना बताया। एक सबसे पहला मेथड कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी नंबर दिया है टोटल करो और जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करो। मतलब यहाँ पे तीन क्वांटिटी, मतलब तीन पीपल है, इस टोटल करेंगे, फिर इसको तीन से डिवाइड करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे और इसको तीन से डिवाइड करेंगे, देन हम क्या करेंगे उसका एवरेज, उसका हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है यहाँ तक। और दूसरा तरीका ये है कि हम आपको कोई एक नंबर एज्यूम करो, उसी से कंपेयर करो और फिर हमारा एवरेज निकलता है। ऐसे में क्या होता है कि हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जून में यहाँ पे आपको ऐड करने पे हमारा देखो कंपेयर करते हैं, तो चलो 60 से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 से कंपेयर करते हैं, तो ये यहाँ पे देखो 60 से अगर कंपेयर करते हो तो ये 112 है, तो ये 112 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो 52 ज़्यादा है, ठीक है। ये 64 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और 88 कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये नंबर को क्या करो, ऐड कर लो, 8 2 10 4 14, 6 2 8 84 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस 84 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्वांटिटी तो 3 है, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 6 3 8 24, अब 28 आया। 28 किसका, प्लस का आया है ना, तो जो प्लस का आता है मीन्स कि जिस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, अगर माइनस रहता तो इस वैल्यू से उतना हमें माइनस करना होता, बट प्लस है तो इसमें क्या करेंगे, उतना हम प्लस कर देंगे। 8 6 2 8, हमारा 88 आ गया इसका एवरेज। और क्वेश्चन में कह रहा है अगस्त, अच्छा सॉरी अगस्त टोटल ही, अगस्त सिर्फ हमें ए का अगस्त निकालना है, ठीक है। ए का अगस्त हमारा टोटल नहीं है, क्वेश्चन में ए का कह रहा है, तो ए का अगस्त का निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए का 119 है, ए का कितना है हमारा 119 है, क्लियर है। अब 119 है, यहाँ पे 88 है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कि सिंपल सा है, इसका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा, 20 31, ठीक है ना, इसका हमारा डिफरेंस आ जाएगा, 119 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 31, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे अब देख लो, अब इसको एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देख लो थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जुलाई में ए और बी को प्राप्त कुल ऑर्डर, तो जुलाई में ए और बी, तो ए और बी जुलाई का, तो ए का हमारा कितना है 96 और ए और बी का हमारा कितना है 80 है, तो इस दोनों को पहले ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, 176 इसका हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है,
मई में बी और सी, तो मई हमारा यहाँ पे है बी, ये रहा 84, सी 72, इसको यहीं पे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 14 = 15, ठीक है, और 4 × 2 = 6। अब ये हो गया यहाँ पे, देखो ये 4 से कट रहा है ना, तो चलो हम 4 से काटते, 4 × 16, 4 × 16, ठीक है। अब यहाँ पे 4 × 3 = 12 और 4 × 9 = 36, 44:39, 44:39 हमारा आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। देखो टेबल लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम यहीं से कॉपी पे लिखा रहेगा, डायरेक्ट हम ऐड करके इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सितंबर में ए को प्राप्त कुल ऑर्डर, तो ए यहाँ पे है सितंबर की बात कर रहा है, तो जो कि हमारे टेबल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगस्त में बी और सी को प्राप्त कुल ऑर्डर से 12 अधिक है, तो अगस्त की बात कर रहा है, किसकी, बी और सी, मतलब कि 75 और 63 की बात कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो 76 क्या होगा, 13 हो गया। उसके बाद इससे क्या है कि बी और सी के जो कुल टोटल है उससे हमारा क्या 12 अधिक है, कौन, सितंबर, ठीक है। ये हम सितंबर की वैल्यू निकाल रहे हैं ए की, यहाँ हम लिख देते हैं ए के सितंबर की वैल्यू, तो ए की सितंबर की वैल्यू, तो इससे क्या है 12 अधिक है, तो चलो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे 12, तो क्या आ जाएगा 150 हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया, तो कह रहा है तो जुलाई में सी को प्राप्त कुल ऑर्डर सितंबर में ए को प्राप्त कुल ऑर्डर का कितना परसेंट है, तो सी का जुलाई, तो सी यहाँ पे है जुलाई 118 है, ठीक है, तो 118, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, परसेंटेज निकालना है, तो 118 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 × 100, 50 × 150 कट गया। अब 3 से, अब देखो क्या ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो, जो होगा आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको भी करके देख लेते हैं, और डायरेक्ट आप इसको भी करके देखो तो यहाँ से आपको हो जाएगा, ठीक है। चलो पूरा नहीं करके मैं आपको बताती हूँ कैसे, ये देखो 3 से करोगे तो यहाँ पे इसको अगर 118 है, 3 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 होगा, उसके बाद 28 है, तो 3 × 9 क्या होता है 27 होता है। अब देखो ये मल्टीपल है 2 का, मतलब कि ये भी 2, एक तो कैरी बच गया है ना, ये 2 का मल्टीपल है, तो इसको 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 3 × 9 = 6 = 7, 78, ठीक है, मतलब कि 78 वाला ही हमारा ऑप्शन आएगा, 78 हमारे ये है, यही हमारा आंसर होगा। आप नहीं तो पूरा भी कर सकते हो, 118 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देन आप 3 से आप क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, बट हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक कैरी है, मतलब कि 1/3 एक कैरी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे उसको तो 2/3 आएगा ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सितंबर के महीने में बी और सी को प्राप्त कुल ऑर्डर, तो बी और सी सितंबर की बात कर रहा है जो कि हमें नहीं दिया गया, ठीक है, तो सितंबर में, तो उसके बाद क्या क्या बी द्वारा प्राप्त कुल ऑर्डर का 7/4 है, देखो तो ये हो गया बी की रेशियो, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ बी प्लस सी की रेशियो, ठीक है, बी प्लस सी, तो बी और सी, तो आप देखो यहाँ पे तो बी का 7/4 है, मतलब कि बी यदि 4 है तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, बी यदि 4 है तो बी और सी क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो बी की जुलाई की वैल्यू हमें पता है, तो बी की जुलाई की वैल्यू यहाँ पे देख लो, जुलाई में बी की क्या है 80 है, मींस कि ये 4 का जो वैल्यू है वो 80 है, तो हमें कैसे निकालिए, 7 की वैल्यू निकालिए, तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 × 8 20 हो गया हमारा, 7 × 14 मतलब 140, ठीक है, तो बी और सी का वैल्यू हमारा 140 आ गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर में बी को प्राप्त कुल ऑर्डर का सी को प्राप्त कुल ऑर्डर का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात किसका दिया हुआ है, बी रेशियो सी, कितना दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है, तो 9:5 दिया हुआ है, और फिर आगे क्या कहते हो, सितंबर के महीने में बी और सी को प्राप्त ऑर्डर के बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, इसके बीच में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक, क्लियर है, और ये टोटल कितना है, टोटल 9 और 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा,
तो 14, तो इसका 14 का टोटल ये 140 है ना, तो जो दिया है उसे उसी के डिफरेंस निकालना है। तो हमें डिफरेंस कैसे निकालना है, जो दिया हुआ है 140 दिया हुआ है टोटल बी और सी की वैल्यू, तो टोटल कितना है 14 है, निकालना क्या है डिफरेंस, दो जो निकालना है उसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना, जो दिया है उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 10 हो गया, मतलब कि 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 40 हमारा कौन सा हो गया, ये आंसर सही है। चलो एक मिनट कलर चेंज करके आपको फिर से हम इसको क्लियर करते हैं। देखो बी की वैल्यू पता थी, यहाँ से हमें आ गई बी की वैल्यू 80, बी और सी की वैल्यू रेशियो हमें पता होगी, तो बी और सी की वैल्यू 7 आ गई, तो 80/4 हो गया, 4 जो दिया है उसी की वैल्यू से डिवाइड किया, जो निकालना था मल्टीप्लाई किया, तो टोटल क्या आ गया 140 आ गया। बी और सी का रेशियो दिया गया है 9:5, टोटल कितना हो गया 14 हो गया, तो 140 का कितना हो गया 14 हो गया, तो मतलब जो दिया हुआ उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, निकालना क्या था डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया कितना हमारे पास 40, हमारा आंसर ए हमारा हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डी आई पर चलते हैं और दूसरा डी आई देखते हैं, ये हमारा टेबुलर डी आई है, ठीक है। तो टेबुलर डी आई है, तो चलो इसमें क्या कह रहा है, इस डी आई में कह रहा है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये पढ़ते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है इसको पहले पढ़ते हैं। तो क्या द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्लैट इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज ए बी सी डी एंड ई। इसमें भी आपको स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम होगा, ऐसे में क्या होता है आपको समय नहीं मिल पाता है कि हम एक, तो स्क्रॉलिंग में ही टाइम चला जाता है, बहुत टाइम जाता है। इसमें भी आपको क्या करना है, टेबल बना के रखना है, कैसे टेबल बनाना है, देखो ए बी सी डी एंड ई इस तरीके से लिख लिए, नंबर तो एक ही है बस फ्लैट का है, तो आपको ऐसे करना है, आप ये पार्टीशन नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए के सामने में से डैश करके भी आप लिख सकते हो। इसका क्या है 250, उसके बाद बी का कितना है 300, उसके बाद सी का कितना है 400, डी का कितनी वैल्यू है 200, और ई की वैल्यू कितनी हमारा 350, ठीक है। हम इस तरीके से टेबल लिख ली, अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या करेंगे सबको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पहले क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लैट इन ए एंड ई। देखो इसमें ए और ई, एक ए यहाँ पे है ई यहाँ पे है, अगर आधा यहीं तक दिख रहा है तो स्क्रॉल करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, टाइम जाएगा एग्जाम में, और हम टेबल बनाए हुए हैं, ए और डी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये टेबल पे डायरेक्ट आप देख रहे हो कितना 100 दिख गया, 100 डिफरेंस दिख गया, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाओगे। देखो आपको एग्जैक्ट आपको सबको ही बताएगा कि ऐड करो मल्टीप्लाई करो जो भी करना है, सबको ही कहेगा कि ऐसे ऐसे करो सब्ट्रैक्ट करो, जो भी जिस क्वेश्चन में जैसे कर रहा है करने के लिए, बट ये एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए ये कि पहले टेबल को आप कॉपी पे करके करो, ये बहुत कम कोई बताएंगे, तो ठीक है। तो आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि किस तरीके से स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम होती है, क्लियर है। देखो देखा ना यहाँ पे ए का कितना है 250 है, ई का कितना है 350 है, तो डिफरेंस कितना हो गया डिफरेंस हमारा 100 का हुआ ना, तो 100 डायरेक्ट आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और सी में एक फ्लैट की कीमत 2 लाख और 3 लाख है, तो ए और सी के राजस्व संग्रह का मतलब, अरे बहुत यहाँ पे चलो देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टेड ऑफ ए एंड सी, ठीक है। ए और सी का एवरेज मतलब औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, ठीक है, टेबल बनाया तो हम टेबल से देख लेते हैं, ठीक है। तो ए का हमारा कितना है 250, ई का हमारा कितना है, ई का हमारा यहाँ पे है 400, तो ए का कितना है 2 लाख, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद ई का कितना है 3 लाख, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो उसके बाद इसमें क्या करना है, अब तो मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसको क्या करो ऐड करना पड़ेगा, तो चलो 4 + 12, ठीक है, और यहाँ पे कितना 25 × 50। अब इसको सबसे पहले ऐड कर लो, कितना हो गया 1700 हो गया। इसका क्या कह रहा है एवरेज, मतलब कि दो दो वैल्यू है ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 2 = 16 और 50 850, मीन्स कि ये हमारा 850 लाख, ये हमारा आंसर बनेगा, क्लियर है यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लैट इन एफ इज 20% 25% मोर देन द फ्लैट ऑफ बी। देखो बी से 25% मोर है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, मतलब कि 5/4 निकालना है बी का, तो बी का हमारा कितना है, बी का हमारा 300 है, तो 300 का 5/4 निकालना पड़ेगा, तो 4 4 7 28
और 4 5 20, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 7 5 35 और 25 25 कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 और 3, 375 हुआ। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ से हम ऐसा कर सकते थे कि 300 का 25% कितना होता है, तो वो हम इसमें ऐड कर लेते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 25% मतलब 10% हमारा क्या होगा, 30 होगा, 20% 60 होगा, तो 5% कितना हो जाएगा, 10% 30 है, तो 5% क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ से भी 375 हम निकाल सकते थे। ठीक है, और ये भी तरीका सही है, डायरेक्ट 5 बाई 4 करके मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने में ये तो इजी था ना, कर लिए। चलो 375 आ गया हमारा, किसका, एफ की वैल्यू आ गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि जी में, यहाँ पे देख लो, यदि जी में फ्लैट की संख्या, ठीक है, यहाँ भी देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ फ्लैट इन टू इज 20 मोर देन ऑफ द डेट ऑफ एफ, एफ से क्या है 20 मोर है, तो 20 मोर मतलब कि इसमें क्या है 20 ज्यादा होगा। क्लियर है, इससे क्या हो जाएगा 20 हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, तो 20 ज्यादा है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इसमें प्लस 20 कर लो, तो हम ऐड कर लेंगे 5 7 2 9, यहाँ पे 3 900, 395 हमारा हो गया। ठीक है, जी की फ्लैट की संख्या क्या है, 20 अधिक है एफ की फ्लैट की संख्या से, तो एफ हमारा 375 आया, तो जी निकालना है, तो डायरेक्ट हम जी में क्या कर देंगे, 20 ऐड कर दिए, 395 आ गया, मतलब कि हमारा 3 हमारा आंसर हो गया। चलो ठीक है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट इन ऑल द सोसाइटी टुगेदर। देखो अब ऑल द सोसाइटी टुगेदर मतलब सबका हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 5 क्वांटिटी है, मतलब कि 5, यहाँ पे हमारा क्या है फ्लाइट की संख्या 5 है, तो 5 से एक तो तरीका है कि सारे नंबर को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, देन 5 से डिवाइड कर दो, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि हम क्यों ना इसी को 5 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे, यहाँ देखो 250 है ना, इसे 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा, यहाँ 300 है 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 5 से 60 हो जाएगा, यहाँ पे 400 है तो कितना हो जाएगा 5 8 40। क्लियर है, यहाँ पे देखो 200 है तो यहाँ पे 200 है, तो 5 चौका 20 ये हो गया, और यहाँ पे कितना है 350, 350 है, 5 7 35, अब सबको ऐड कर लो, तो सिंपल सा है, तो 6 4 10 हो गया, ये 6 और 4 10 हो गया, 7 2 14 1 15 ये हो गया, 25 और 5 कितना हो गया 30, मतलब 300 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, एक तो तरीका सिंपल है, आप सारे नंबर को ऐड कर लो फिर 5 से डिवाइड कर लो, और जब हमें पता है कि एवरेज निकालना है 5 से, तो सारे नंबर को ही क्या कि 5 से डिवाइड करते चले गए, क्योंकि 5 का मल्टीपल है इजी कट जाता है, इसीलिए हम 5 से डिवाइड करके इसको क्या किए ऐड कर दिए, हम डायरेक्ट हमारा 300 आ गया, इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो ठीक है, एवरेज पता चल गया कि हम किस तरीके से एवरेज को आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके का क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग एवरेज को निकालो, कि कब हमें टोटल ऐड करना चाहिए, किस समय हमें इस तरीके से निकालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर फ्लैट इन डी, डी का रेड और ब्लैक, ठीक है रेड और ब्लैक, तो आर और हम बी से करते हैं, इसका रेशियो कितना है 3:2 दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक फ्लैट इन डी, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस डिफरेंस हमारा कितना है 1 का डिफरेंस है, और डी की क्वांटिटी कितनी है 200 फ्लैट है, तो 200, तो डिफरेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, सेम उसी तरीके से जो दिया है, दिया कितना है टोटल डी की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो टोटल कितना होगा 3:2 क्या हो गया 5 हो गया, तो जो दिया है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते, तो कितना होगा 5 6 20 हो गया, हमारा कितना हो गया 40 आ गया, डी की वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे 40। ठीक है यहाँ तक क्लियर है, चलो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए,
और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले क्या करो, कॉपी पे टेबल जो भी दिया रहेगा, टेबल हो, बार ग्राफ हो, जो भी रहेगा, आप सबसे पहले कॉपी पे टेबल बना लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत कम समय में आपके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। यदि आपका एग्जाम 14 को है, 14 अगस्त को है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख के ही जाना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।